हाउसफुल टू का नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट में सॉन्ग था, और सॉन्ग के साथ ही इन्होंने एक झटका भी दे दिया लड़की का, भाई हरामजादी दी, बड़ी हरामी दी। मम्मा मिया, मम्मा मिया, मम्मा मिया, कसम फेम्स भैया की, जिस घर में हम सोनी को भेज रहे हैं उसके बगल वाले घर में मैक्स होने वाला है। अगर ये दोनों आपने सामने आ गए तो वर्ल्ड वॉर 4 हो जाएगा। ओह शिट, एक मिनट, तू वापस मैक्स के पास जा और मैं सनी के साथ रहूंगा। किसी भी हालत में हम दोनों सनी और मैक्स को आमने सामने नहीं आने दे सकते। Yes. You blabbering baboon, vibrating vagabond, pepperoni pakora. Mamma mia, मैंने क्या किया Mr. Kapoor? क्या किया? You, तुमने उस डब्बू को मालदार तामार चला दिया। You have bloody piles in your brain, piles. अब जो हुआ सो हुआ, उसे अमीर मिला तो मिला, लेकिन मुझे अपनी हिना के लिए कोई अमीर नहीं, रईस चाहिए, रईस। आप कभी श्मेर कमान कपूर आका ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। खाने का काम है, हलवा है, कोई ऊपर से आएगा। कपूर साहब कितना रोमांटिक नजारा है। अरे अरे अरे, ये क्या, ये क्या, अरे अरे कमान, अरे तुम ठीक हो ना? अरे ओके, आसमां से गिरे और खजुरा में अटके। तुम कौन हो? ये जेडी का एक लौता बेटा है। कौन जेडी, कौन बेटा? मेरे डैडी मुझे ले जा रहे थे किसी लड़की से मिलाने शादी के लिए, अपने प्राइवेट जेट में, और जब मुझे पता चला तो मैंने मिडएयर से छलांग मार दी, क्योंकि अगर वो जेडी है तो मैं जेडी का बेटा हूँ। वो जेडी का बेटा, अरे ये जेडी का बेटा है, अरे जेडी का बेटा है। थक रहे हो? सा सा मूवी, सा सा चली सा। क्यों थूक रहे हो? थैंक गॉड यू आर सेफ सर। वो तो होना ही था, क्योंकि मेरी लैंडिंग बड़ी सॉफ्ट थी। एक्सक्यूज मी, हेलो, आप कौन है? ये मेरा बॉडीगार्ड कम ड्राइवर कम टॉयलेट क्लीनर। सर, आपके फादर जेडी सर आपको ढूंढ रहे होंगे। पूरी आर्मी को आपकी शादी कराने के लिए भेज सकते हैं सर। आर्मी? इसलिए कुछ दिनों के लिए हमें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। हो सकता है इसके लिए हमें कोई सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी छुपने के लिए। कहाँ मिलेगी ऐसी जगह? हमें चाहिए एक बंगला, एक दीवार विद बार्ड वायर, गार्डन, बगीचे, मैं तो कहता हूँ झाड़ियों में छुप जाओ। सर जी, सर जी, बार्ड वायर, दीवार, गार्डन, बगीचा है ना, है ना ये घर? कहाँ है घर? सर ये घर आपका घर है ना सर? ये घर, ये घर। आइए, प्लीज आइए। हाँ वो तो ठीक है सर, लेकिन आप अपनी लॉ के ऑफिसर को मेरे घर में क्यों भेज रहे हो? तुम्हारी रिसर्च को स्टडी करने आ रहा है। इज अ मैन ऑफ हाई पोस्ट। सर्वे करेगा कैसे तुम फीफी का ख्याल रखते? यू माइट विन द एलएडब्ल्यू अवार्ड। ही विल बी देयर राइट नाउ, रीचिंग एनी टाइम। ओके ओके सर, हैव अ नाइस डे, बाय। तुम उससे मिलकर बहुत खुश होगी, आई एम टेलिंग यू। हे हिना, पहचानो कौन है ये? हाँ हाँ पहचाना, मेरे लिए आया है, वो भी बहुत ऊपर से। जिस काम के लिए आप आए हो उसके लिए हमें मेरे बेडरूम जाना पड़ेगा। अरे तुम कहाँ चल पड़े बीच में यार? बॉडीगार्ड सर। तुम बॉडीगार्ड अपने काम को बड़े सीरियसली लेते हो? गुड, लेकिन बॉडीगार्ड का काम होता है कि दूसरों की हड्डी पसली एक करना। यस सर। लेकिन तुम तो खुद एक सिंगल हड्डी पसली हो। लगता है डाइटिंग तुमने शुरू की थी, बंद करना भूल गए। सर पहले किसके तुम बॉडीगार्ड थे? प्रेसिडेंट का सर। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? नो, प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब। भांडुप? भांडुप, भांडुप, व्हाट इज भांडुप? जस्ट अ मिनट। हेना यार, पता नहीं टॉमी को क्या हो गया, जब से मैंने उसे कपड़े पहनाए उसे रैश हो गया। अब मैं क्या करूं? डू मी अ फेवर, गर्मी लग रही होगी ना, प्लीज कपड़े उतारो। ओके। कैसा लग रहा है? गुड। अब सीधे बेड पे। अब कैसा लग रहा है? आई थिंक ही इज फीलिंग बेटर। अब मुझे भौंकने की आवाज सुना किंकी। टॉमी बाप,
Mark Tommy? Very kinky. Wow. सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से. क्यों थक रही है? मच्छरदानी में गई. तुम्हारी मुलाकात कितनी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी थी. यानी कि आप अपनी बेटी की तरह ऑफेंडेड फील नहीं कर रहे? ऑफेंडेड ना ना कमाल है. नो वो मुलाकात भी क्या मुलाकात जो यादगार ना हो. यानी कि अब आपके साथ सर का सुर लगाने पड़े. मतलब सर सुर पुत्र इस बात पे कुछ मीठा हो जाए. भांडो कुछ नहीं, वो चेक कर रहे कि अंदर जहर वहर तो नहीं. ओ क्लियर. मेरा LAW का ऑफिसर तो आया ही नहीं वहां, उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गया. ओके बाय. ओके सर, थैंक यू. कपड़े उतारने का बहुत शौक है ना? अब तुझे सबक सिखाती हूँ बच्चू. हीना जी आपने मुझे याद किया. एक्चुअली मिस्टेक मेरी थी, मैं फोन पे बात कर रही थी और आपको लगा. क्या लगा? I'm going through a lot of stress right now. ये फीफी कौन है? Oh, my cute little pet. उसकी विजडम टूथ में दर्द है और आज तो डेंटिस्ट की स्ट्राइक है. अगर आप उसका दांत निकाल देंगे. सर ऑल ओके सर. और ये फीफी कौन है? फीफी 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 फीफी. क्या करे फीफी, क्या करे? क्यों थक रहा तू? पापा रंजी, ये डायलॉग क्यों डाल दिया था? इमरजेंसी के लिए स्लीपिंग टैबलेट. इसे खा के सो जाएंगे हम लोग? हम लोग नहीं. इससे मैंने बड़े बड़े तितलियों को सुना है. तो ये कौन सी खेत की मूली है? कम ऑन बेबी, ओपन योर माउथ बेबी. बॉबी जी, चिल्लर का पता नहीं लेकिन मुझ में चेंज आ गया है. आपने मेरी आंखें खोल दी है. आज से मैं वादा करता हूं कि एनिमल स्किन के किसी भी बनाई हुई चीज जैसे जैकेट बेल्ट शूज कभी नहीं पहनूंगा. मेरा बस चले तो मैं खुद की स्किन भी नहीं पहनूंगा. वैसे इसका नाम क्या है? नागराज. नागराज, सो स्वीट. व्हाट अ लवली नेम. नागराज. कुछ और कहना या मैं जा सकती हूँ? आप जाइए ना, आप जाइए, बहुत बिजी हो गए. प्लीज मैं नागराज से बात करता हूँ. नागराज आजा. यस ब्रूनो. जमाइला तेरे को लगता है तू टफ है. तुम स्नेक्स बहुत बोरिंग होते हो. पूरे दिन करके रहते हो. तू क्या समझता है मैं तेरे से डरता हूँ? हैं? सांप बोल रहा है तू ऐसे करते हो पूरा दिन बोरिंग. फीफी फीफी ये भागो, ये खोलो दरवाजा. क्योंकि फीफी
जाग गया। दे ताली, दे ताली, तू कहाँ ताली देगा, तेरे तो हाथ भी नहीं है। दे 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 निकल गया, निकल गया। यार जीनियस, अरे अब क्या हुआ, क्या हुआ? नीचे दे दोनों गलत जगह पे काट लिया, देखा ही नहीं जा रहा था यार। ये क्या था यार सीन, सांप दिखने में तो छोटा था, वो चढ़ा रहा था, तुम बोरिंग है ये करता रहता है। वो सांप निकल आया और मगरमच्छ पिपी पिपी, और इतने ठगे मगरमच्छ को बेहोशी की दवाई खिला दी। मगरमच्छ जाग गया तो भाई को ऐसा काटा यार, बहुत मजा आया यार। क्या कॉमेडी है इस मूवी में भी यार। ये हमारा ये राजू भैया तो क्या बदल गया है यार, पहले तो बेचारा जहाँ जाता था पनौती होता था, यहाँ पे क्यों ठक रहे हो, क्यों ठक रहे हो भाई ना, बड़ा उस्ताद है राजू भाई यार। मगरमच्छ को गोलियां से सुला रहा है, मगरमच्छ कहाँ गोलियां से सुलता है भाई। बस थोड़ी देर के लिए भाई उसको असर हुआ, फिर जाग गया तो देखा ना उसने सिक्योरिटी गार्ड का क्या असर कर दिया भाई साहब। ऐसी जगह पर उसको भाई काटा है ना, अभी बैठ नहीं पाएगा। और वो जो दूसरा तोतला है उसको भी ऐसी जगह पे सामने काटा है, मजा ही आ गया। वो बड़ो बालो वाला बड़ा चला के वही मैक्स भाई शाम को ऐसे चिढ़ा रहा है, सांप भाई देख रहा है भाई तुम्हें नागराज हूँ मैं, कहाँ तुम्हें चढ़ूंगा भाई साहब। बहुत इंजॉय आ गया, बहुत मजे वाला है यार। और वो अंग्रेज बूढ़ा था ना, और चार जान लगा देता वो पता नहीं कहाँ डांस, वो भी बड़ा कर हमने सोचा कोई कुत्ता होगा कोई ऐसा वाला फिफी फिफी, ये मगरमच्छ निकल आया भाई, ये जो फिफी बाप निकला भाई, उस बेचारे को ऐसा काटा इस जगह पर यार, उसकी हवाई टाइट होगी भाई। सांप ने भी जो भाई उसको ऐसा काटा इसी जगह पर, क्या बताऊं मैं भाई, मजा आ गया। हाँ भाई कमाल का पार था ये भी, सने लो वो भी नहीं आया ना, मजा आ जाता। झूले लाल झूले लाल चिल्ला रहा है झूले लाल झूले लाल, तुम उसका बचाओ झूले लाल झूला लाल। बहुत अच्छा है दोस्तों, मजा आ गया। आप देखते हैं नेक्स्ट में क्या होगा। थैंक यू अल्लाह हाफिज़।